नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है। अनुराग ओझा ने बहुत लंबे समय बाद, मैं कहना चाहूंगी, एक बार फिर से हमें समय दिया है। और अनुराग ओझा की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि जनरल समाज के अमूमन जितने भी लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कोटे के अंदर कोटे के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अनुराग ओझा को आप क्योंकि जानते ही होंगे, SC/ST OBC माइनॉरिटी की आवाज बुलंद करते हैं। ओझा बहुत चर्चित चेहरा है, बताइए अनुराग ओझा कैसे देख रहे हैं भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल भारत बंद होना चाहिए 21 तारीख को, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसका, उस फैसले से मैं सहमत हूँ। आप बताइए कि अगर हमारे बाप को रोटी मिल रही है तो हम रोटी नहीं खाएंगे, इसको सेंटर खाएंगे नहीं खाएंगे, आप खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो बताइए कि अगर मेरे घर में किसी को आरक्षण मिला है तो मेरे भाई को मिलना चाहिए, मेरे बेटे को मिलना चाहिए ना। लेकिन ये जो आरक्षण खत्म करने वाले लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की मंशा नहीं है, मंशा उनकी है जो कह रहे थे 400 पार दे दीजिए संविधान बदलने। मैडम, अभी आपने देखा होगा एक फैसला जल्दी में आया कि LLB में मनुस्मृति पढ़ाया गया, मतलब इनकी जो मंशा थी वो धीरे धीरे जग जाएगी। अगर आज भी हमारे देश का बहुजन इकट्ठा नहीं हुआ तो फिर आरक्षण भी खत्म किया जाएगा। अभी कह रहे हैं कि एक ही आरक्षण मिलेगा और फिर कहेंगे कुछ नहीं मिलेगा, कह रहे वर्गीकरण किया जा रहा है, आरक्षण खत्म नहीं हो रहा, वर्गीकरण बांट के पता तो चले कौन कितना है। मैडम देखिए कि आप जो बांट रहे हैं ये तो हर चीज में बांटिए ना, सिर्फ बहुजनों को ही कहे बांटने का काम किया, बहुजन एकग्रत नहीं हो पा रहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है। बहुजन अगर एकजुट हो गया, मैं कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर रावण जैसे अगर 10 सांसद तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी कि वो आरक्षण को छोड़। मैडम मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि शेरनी की नस्ल कभी सियार नहीं पैदा करती और बहुजन की माँ कभी गद्दार नहीं। तो जितने भी बहुजन भाई मुझे वो एकजुट आ गए, 21 तारीख को ये लोग अगर एकजुट नहीं हुए तो मैडम ना अनुराग भाई का जिम्मेदार नहीं, उसके जिम्मेदारी। अच्छा, आप कह रहे हैं लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, वो तो सर्वोपरि है। एक चीज बताइए, राम मंदिर किसने बना है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना लेकिन भाजपा वाले क्या कहते हैं कि हमने बनाया। तो मैडम सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई आदेश आता है तो कहीं ना कहीं सरकार का भी होता है उसमें, और सरकार शुरू से ही कह रही थी कि 400 पार दे दीजिए संविधान बदलना बहुत जरूरी है, 400 पार दे दीजिए आरक्षण बदलना बहुत। तो इन लोगों की जो मंशा थी वो मैडम धीरे धीरे खुल रही है, हमारे बहुजन भाई बिल्कुल जागृत तो हो चुके थे, कुछ लोग नहीं जागृत हो पाए वो लोग भी इस बार जागृत हो रहे हैं। अच्छा, जागृत तो हो रहे हैं लेकिन क्या लग रहा है, क्योंकि 9 अगस्त को अभी जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन रहा, बाबा साहब BR अंबेडकर की जो प्रतिमा हटाई गई है उसको लेकर भी बड़ा प्रदर्शन था। देखिए, बाबा साहब की प्रतिमा हटाना बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, और 21 तारीख की रही बात, तो मेरा मानना है मैडम कि जब तक एक रणनीति नहीं बनाई जाती है, बहुजन नेता एकजुट होकर एक संकल्प या एक विकल्प नहीं तैयार करते हैं, तब तक मेरे बहुजन भाई कहीं एक जगह पे इकट्ठा होगा। क्योंकि मैडम आपने एक समय वाला देखा होगा, वो कृत दोबारा ना हो, वो चीज़ दोबारा दोहराई ना जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक इनका कोई नेता, शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग इकट्ठा होकर एक रणनीति ना बना ले, तब तक किसी मुद्दे पर बात करना या एक जगह इकट्ठित हो जाना कहीं ना कहीं। वर्गीकरण किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि भविष्य के लिए फायदेमंद है कोटे के अंदर कोटा। आप मुझे समझाइए। चलिए, कोर्ट ने जो कहा है मैं वही आपको समझाती हूँ। तो कोर्ट ने कहा है कि अभी जिन लोगों को लाभ मिल गया है उन्हें थोड़ा दरकिनार करके जो नीचे दबे हुए वर्ग है उनको उठाना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, नेता का नेता नेता का बेटा नेता बनेगा, लेकिन जिसको आरक्षण मिल गया उसके बेटे को आरक्षण नहीं मिलेगा, बेईमानी है कि नहीं बताइए? बेईमानी तो है, बेईमानी है ना। ये सुप्रीम कोर्ट कहीं ना मेरे हिसाब से भाई मैंने लगा, और सरकार को भी इसका पूर्ण विरोध करना चाहिए और पूरे गठबंधन। बताइए, SC/ST समुदाय के तमाम सांसद जो है, क्योंकि सवाल उन पे ही लगातार पूछा जा रहा था, PM मोदी से बैठक की तो PM मोदी ने भी आश्वासन दिया है कि जो है इसमें इस फैसले में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी। मैडम देखिए, लिखा था कि जलते घर को देखने वाला फूस का छप्पर आपका, आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका, उसके कत्ल पर मैं भी चुका, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आप। तो अगर आज हम लोग नहीं बोले ना, अगर आज हमने बहुजनों की आवाज़ नहीं, तो हो सकता है कि आगे कह दें कि ब्राह्मण जो तिलक लगाएगा या गमछा रखेगा, जुतिया रखेगा या बद्दी बांधेगा या जनेऊ पहनेगा, तो भी नियम बना सकते हैं। तो अगर आज हम लोग एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय पर हमारे ऊपर भी ये बदला है। तो आपको लग रहा है सरकार ऐसा करेगी? सनातन कट्टर सनातनी सरकार बता रहे हैं। मैडम देखिए, कट्टरता की परिभाषा नए भाजपाइयों को पता है ना, भाजपा के पत्रकारों को पता है ना आपको पता है। कट्टरता मैंने गीता भी देखी है
और मैंने रामचरितमानस को भी पढ़ा है, मैंने कई पुस्तकें पढ़ी हैं जिसमें कट्टरता एक बार भी है। और आप बताइए कट्टरता आप मुझे कहाँ से सिखा रही है? मेरा सनातन मुझे कट्टर बनना नहीं सिखाता, मेरा सनातन मुझे प्रेम मोहब्बत भाईचारा सिखाता है। अरे कट्टरता वट्टरता प्रेम मोहब्बत तो सिखाता है, लेकिन हिंदू कह रहे हैं सबसे राज में किसके सुरक्षित? हिंदू मैडम कभी इस देश में मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, मतलब बहुत लोगों ने किया, और फिर सत्ता पर कांग्रेस ने भी किया, तब हिंदू खतरे में थे। हिंदू भाजपा की सरकार में खतरे में कैसे? प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, गृहमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, लगभग लगभग राज्यों का मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में है तो ऐसी सरकार का बहिष्कार करना है, हिंदू का जगाने का काम करना। और सबसे ज़्यादा हमारी यूपी के हिंदुओं को मिलने जा रहा है। हम अभी 72-74 दिन गांव में रह के आए हैं, 10 बजे लाइट जाती है, हिंदू 4 मिनट का हुआ भाई, फिर 1 घंटे बाद जैसे 11 बजता है फिर लाइट चली जाती है, फिर हिंदू जाग जाता है, फिर जैसे हल्की सी नींद आने लगती है फिर लाइट चली जाती है, फिर हिंदू जाग जाता है। तो हिंदू को जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से किया, लाइट काट काट के हिंदुओं को जगाने का काम, ताकि हिंदू जागा हुआ। जब हिंदू जागा हुआ था तो डीजल और पेट्रोल 50 रुपये, जब से हिंदू सो गया है तो 100 रुपए के आसपास। कौन है तो हिंदू मैडम जागा हुआ था, जागा हुआ है और जागता है। बताइए अच्छा इस फैसले में आपको क्या क्या खामियां दिखाई दे रही है, नुकसान बताइए, क्योंकि जनरल समुदाय के लोगों का तो मैंने बकायदा ओपिनियन किया है, वो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है आरक्षण तो अब हट जाना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि उन्हें आंदोलन करना चाहिए। किसको मैडम? बिल्कुल आप बताइए कि आरक्षण खत्म कैसे, आप बताइए कि अभी भी आप जाइए गाँव में, जब तक छुआछूत नहीं खत्म होगी, जातिवाद नहीं खत्म होगा, तब तक आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे। जाति खत्म कर दीजिए, मैं भी आरक्षण का विरोध करूँ। बना कौन रहा है ये सारी जाति? किसने बनाई आप बताइए? आपको क्या लगता है जाति किसने बनाई आप बताइए? आप बहुत ज्ञानी बन गए। मोहन भागवत ने जो कहा था वो तो सुना ही होगा। जाति किसने बनाई आप बताइए? वो कहते कि पंडितों ने बनाई, आप बताइए जाति किसने बनाई? भगवान कृष्ण जाति के बारे में वर्णन करा, भगवान कृष्ण किस जाति के बताइए? नहीं आप बताइए, मैं जो पूछ रहा हूँ गीता के 4th अध्याय में साहब है भगवान कृष्ण जाति के बारे में वर्णन करेंगे, जाति में होने देंगे। लोग कोसने का काम करते हैं सिर्फ एक लोगों पर, बाकी जाकी रही सामना जैसे प्रभु मुहूर्त देखिए, जिससे आरक्षण न खत्म हुआ था न खत्म होगा। अगर आरक्षण को किसी ने हाथ लगाया तो अमन छीन लेंगे, तो चमन भी छीन लेंगे, और जिसने भी संविधान और आरक्षण को खत्म करने की बात की उनके फलाना चीज से फलाना चीज। ये तो डैश डैश करके आप क्या बताना चाहते हैं मैडम? समझदार भले सारा काम है बच्चों के लिए। अच्छा 21 तारीख के आंदोलन को क्या आप भी जाने वाले हैं? आंदोलन में शामिल होगा अनुराग ओझा, आपके कैमरे पर जंतर मंतर पे मिलेंगे, जहाँ आप यही मिलेंगे मुझे यहीं पे मिलेंगे, और बाकी सरकार इस वीडियो को देख के उठा लेंगी। तो इस पर भी कोई टीका टिप्पणी? सरकार तो मैडम मुँह से निकला कि उसको कैच करने में समय लेंगे। आज की जो आईटी सेल इनका है सिर्फ यही देख रहा है कि कौन आदमी क्या बोल रहा है, उसको कहां से उठाया जाए और कहां पे पटका जाए, पटखनी देने वाले लोग। अच्छा मोदी जी ने जो क्रीमी लेयर पे क्या कहा है, आश्वासन दिया है, उस पे कितना भरोसा? मैडम मोदी जी के पास तो मेरे 1% भरोसा, 1% विश्वास है ही नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दिया नहीं दिया, उस आदमी ने कहा था कि महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, सुरक्षित किया? बाकी छोड़ दीजिए, पहले मेरे बात का जवाब दीजिए, सुरक्षित किया? वो तो आपको मुझसे बेहतर पता होगा, आप नहीं जानते हैं। आप देश की महिला हैं, देश की बेटी हैं कि नहीं, देश की बहन है या नहीं, आपका जवाब। उन्होंने कहा था किसानों की आय को दुगना करेंगे, बोला था कि नहीं बोला था? और बताइए किसानों की आय को दुगना किया, 750 से ज्यादा किसानों को, आप बताइए। उन्होंने कहा था बोला था कि नहीं बोला था? आप बताइए कि जब वो रोड पे लड़ रही थी बेटी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, वो कहता था कि भैया आप लोग हमारे घर के हैं, मतलब मोदी का परिवार। आज मोदी के परिवार बिहार में देख लीजिए, या फिर बंगाल में देख लीजिए, या फिर उत्तराखंड में देख लीजिए, बेटियों को लच्चा लगा, और फिर भी सरकार खामोश है। ऐसी सरकार को बदल देना चाहिए, ऐसी सरकार अगर बेटियों को इंसाफ नहीं दिलवा पाती है तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे। लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं तो दलित समर्थक हूँ, पता है मोदी जी की इसका कथन में मुझे खाने के दांत दूसरे होते हैं, दिखाने के दांत तो ही मोदी जी का। कभी कहते हैं मैं पिछड़ा का बेटा हूँ, कभी बोलते हैं मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, कभी कहते हैं मैं ओबीसी का बेटा हूँ। मतलब एक लाइन में अगर कहा जाए तो कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी और अंबानी का दलाल बनकर। आपत्तिजनक हो जाएगा कैमरे पे आप जो बोल रहे हैं, किसकी ओर टीका टिप्पणी कर रहे हैं? मैंने किसी का नाम लिया है?
मैंने किसी का नाम लिया है तो फिर आपको दिक्कत कैसे हो रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, नहीं आपको बड़ी दिक्कत जो दर्शक देखने वाले नहीं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं। आपने हाँ। आपका इशारा कहाँ भक्त है उनको तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए मैडम, भक्तों का काम होता है, बाकी हम लोग राम भक्त हैं, जय सिया राम करते हैं। अच्छा, बहुजन के तमाम लोग आपको देखना पसंद करते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के, क्योंकि हमारे सारे ऑलमोस्ट दर्शक वही हैं, तो उनसे क्या कहना चाहूँगा? मैं अपने तमाम बहुजन साथियों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा आप कोई कड़ा कदम ना उठाएं जिससे आप लोगों को दिक्कत देखनी पड़े। बाकी 21 तारीख को अनुराग ओझा आपके साथ में डटकर खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा हम लोग सनातनी ब्राह्मण हैं। अंगद ने लंका के अंदर अपना पैर जमा दिया, तो अनुराग ओझा बहनों के साथ में अपना पैर जमा रहा है, कोई ताकत अनुराग ओझा को कह रहे हैं। ये जो विरोध कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं तमाम लोग। मैंने सुप्रीम कोर्ट का विरोध क्यों करूंगा? जो आरक्षण का विरोध कर रहा है मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, जो आरक्षण को खत्म करना चाहता है मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। अब अगर आप मानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट खत्म करना चाहता है, कोर्ट ही इसका दोषी है। अगर कोई अगर सुप्रीम कोर्ट भी है तो आप उसके विरोध में खड़े हैं? आप बताइए कि आरक्षण को खत्म क्यों किया जाए? मैडम, आरक्षण को खत्म क्यों किया जाए आप बताइए? बाबा साहब का जब तक सपना पूरा नहीं होता है, फूले पेरियार का सपना पूरा नहीं होता है तब तक। अच्छा, 9 अगस्त का प्रदर्शन था, आपने तमाम वीडियो देखी होंगी क्योंकि आप खबरें देखते हैं। बताइए उस प्रदर्शन से क्या लगता है, सरकार पे कुछ असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा, हर चीज पर सरकार को पड़ेगा, लेकिन आज की जो सरकार है वो गूंगी तो है ही, बहरी भी है। भगत सिंह ने एक बात हम लोगों को कि गूंगे और बहरी सरकार को सुनाने के लिए बम करना, तो हम लोग अपने आवाजों से बम कर। बताइए, चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे पर मुखर मुखर बोला अनुराग, लेकिन और पार्टियां हैं, तो अखिलेश यादव भी बोल सकते थे, तेजस्वी यादव ने हालांकि बोला है, और अलग अलग पार्टियों ने उतनी मजबूती से नहीं बोला, मुझे लगता है ये मुद्दा उठना चाहिए था। आपकी क्या राय? मैडम देखिए, बिल्कुल सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। मैंने क्या बताया कि ये 5 लकड़ी है तो उसको एक साथ नहीं तोड़ा जा सकता, एक लकड़ी है तो उसको तोड़ दिया। मैंने अभी पहले क्या बताया आपसे, चंद्रशेखर रावत जैसे 10 लोग और होते पकड़ लेना पुलिस, बिल्कुल उसका पूर्ण विरोध करते, लेकिन बाकी जो आरक्षित सीटों से सांसद हैं वो लोग, उनका जमीन क्यों नहीं जागता, क्या लगता है? मैडम, जो सुप्त चेतना में पड़े हुए मैं उन्हें जगाने आया हूँ, देशद्रोहियों को उनकी औकात है, 21 तारीख को बातचीत करें, तैयार है उसके लिए, बिल्कुल तैयार। कह रहे हैं सरकारी संपत्ति को नुकसान हो जाएगा जो करने वाले हैं। मैंने क्या बताया कि हम बिल्कुल शांति पूर्ण तरीके से काम करने वाले हैं, हम लोग उपद्रवी लोग नहीं, तो बाकी सरकार समझेगी तो समझाएंगे, नहीं समझेगी तो उसका फैसला। लग रहा है सुप्रीम कोर्ट पे इसका कोई असर होगा? असर होगा मैडम, जब जब जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नाम, हम लोग इंकलाब का क्रांति नहीं। मतलब BR अम्बेडकर के लिए भी जो प्रदर्शन किया गया था, क्या लगता है प्रतिमा कब तक लगाई जाएगी अनुराग? क्योंकि बाबा साहब इस देश के लिए जो बाबा साहब ने किया है न नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और न वो हटाने वाले लोग कर सकते हैं, तो बाबा साहब के लिए अनुराग ओझा को अगर जान भी न्यौछावर करनी पड़ेगी तो अनुराग ओझा न्यौछावर करने के लिए। अच्छा, जो अभी सरकार, मैडम मैं अभी दिल्ली आ गया हूँ ना, दिल्ली आ गया हूँ, बाबा साहब की मूर्ति भी लगेगी और आरक्षण खत्म करने की बात जिन्होंने किया है उनके मुंह पे ताला भी लगेगा, आरक्षण भी बहुजन भाइयों को मिलेगा और बाबा साहब की मूर्ति भी। दिल्ली आ गया मतलब क्या, कुछ रणनीतियां बनाई है, कुछ करने वाले हैं? मैडम क्या बताया हमने, हम दिल्ली आ गए हैं ना, इतना ही काफी है। तो इससे क्या मतलब, असर क्या पड़ने वाले दर्शकों को? मेरा शब्द सुमन अर्पित ना हो दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजार। धन्यवाद। दर्शकों को आखिर में क्या कहेंगे? तो देख लीजिए, ये अनुराग ओझा है जो कह रहे हैं 21 तारीख के लिए कमर कस ली है हमने और पूरी तैयारी के साथ पूरी मजबूती के साथ इस बार लड़ाई लड़ने वाले हैं, भारत बंद का ऐलान है, लेकिन जनता को नुकसान होगा या नहीं अनुराग? किसी प्रकार का हमारे भाइयों को, बहुजन भाइयों को नुकसान हो तो सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाकी मैं अपने तमाम बहुजन भाइयों से कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे हमें दिक्कत हो, क्योंकि हम एक बार ये झेल चुके हैं। अच्छा, ओझा तो आ रहे हैं लेकिन आपके समुदाय के और कितने लोग आ रहे हैं अनुराग? हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा समाज। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं आरक्षण का विरोध उस दिन करूंगा जिस दिन जाति खत्म हो जाएगी। आप जाति खत्म करिए, मैं आरक्षण के विरोध में बोलूंगा। आरक्षण का विरोध नहीं किया है, केवल वर्गीकरण किया है कोर्ट। मैडम मैं किसी भी प्रकार का जो कर रही है, चाहे कोर्ट कर रहा हो या कोर्ट किसी के इशारे पर कर रहा हो, मैं ऐसे किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता हूँ और ना करता हूँ।
आपने बताया, ये कह रहे हैं कि वर्गीकरण और आरक्षण को अगर इस प्रकार से दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, मजबूती के साथ ये लड़ाई लड़ूंगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या सच में 21 तारीख को भारत बंद करने वाले हैं तमाम बहुजन समाज के लोग? आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। कैमरामैन तोहित के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।